हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ खिसका सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी देखने में कुछ इस तरह से होती है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और साथ में सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। मानसून के सीजन में ये सब्जी आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले आपको इसे अच्छे से धुल लेना है और उसके बाद में हम इसे इस तरह से गोल गोल कट करके ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे काट लेना है। तो ये अंदर से देखने में कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आपको लगे कि खिसका ज़्यादा पका हुआ है तो वो खिसका जो है यूज़ ना करें, हल्का लाल दिखे तो चल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जो खिसका रहता है ना, मिक्स करके दे देते हैं तो काफ़ी पका पका रहता है, तो उसे हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे जो खिसका मैंने लिया है काफ़ी फ्रेश है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से गोला गोला काट के ले लेंगे। ये देखिए, मैंने आधा खिसका जो है काट के ले लिया है और आधा मैं इस तरह से रख के इस पर काट लूँगी ताकि आसानी से फटाफट सारा जो खिसका है कट जाए। तो यहाँ पे सारा जो खिसका है या कंटोरा जिसे कहा जाता है, तो इस तरह से मैंने काट के ले लिया है। आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लीजिए, और थोड़ा है तो आप हाथ में लेके भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे ज़्यादा पतला नहीं कट किया है। और उसके बाद में दो बड़े प्याज जो है उसे भी काट लेना है। तो चलिए इसी समय उसे भी काट लेते हैं, दो प्याज को इस तरह से लंबा लंबा, बारीक नहीं काटना है, लंबा लंबा प्याज इस तरह से कट करके ले लेना है। बहुत ही आसान तरीका है, जो लोग पहली बार बना रहे हैं वो भी इस सब्जी को आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो बड़े प्याज जो है लंबे लंबे इस तरह से काट के ले लिए हैं। और यहाँ पे कढ़ाई जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है ताकि जो खिसका है अच्छे से कुरकुरा लाल बनकर तैयार हो। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद में हम इसे इसमें डाल देंगे। एक बार ये सब्जी जरूर ट्राई करिए, इसका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा होता है खाने में, और एक बार आप बनाएंगे तो बार बार इसे आप बनाना चाहेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद में हम इसे मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे कम से कम 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं काफी अच्छे से खिसका जो है नरम हो गया है। और इसे हमें पलटते रहना है, बीच बीच में चलाते रहना ताकि जो खिसका है दोनों तरफ से बढ़िया से लाल हो जाए। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो एक तरफ से लाल और एक तरफ से कच्चा दिखेगा, तो अच्छा खाने में नहीं लगेगा। अब हम इसे खुला मतलब ढक्कन ही लगाएंगे, बिना ढक्कन के ही दोनों तरफ अच्छे से लाल होने तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं खिसका का जो कलर है चेंज होने लगा है धीरे धीरे। ये देखिए काफी अच्छे से लाल होना स्टार्ट हो गया है। ये सब्जी लगभग तैयार होने वाली है। तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च। इसे हमें बाद में डालना है, अगर शुरू में डाल देंगे तो प्याज जो है जल जाएगा, तो इसलिए हमें खिसका आधा पकने के बाद में ही डालना है। और यहीं पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। आप चाहे तो ऊपर से हल्का सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, नहीं तो ये सब्जी ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अब हम इसे 2 मिनट तक और पका लेंगे ताकि जो प्याज है अच्छे से लाल हो जाए। तो इसे अब ढकने की जरूरत ही नहीं है, इसी तरह से चलाते हुए इसे पका लीजिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है अच्छे से पक चुकी हैं और हमारा खिसका जो है बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस तरह से इस खिसका की सब्जी बनाइए। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे आप रोटी के साथ में, पराठे के साथ में खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और फ़ायदेमंद सब्जी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, गारंटी है बार बार आप इसे बनाएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी खिसका की सब्जी रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।